बात्या प्रभाव रे आज ओडिशा उपकूल रे आरंभ हेबो वर्षा पवन प्रबल वर्षा नहीं आज तीन जिला केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर एवं पुरी को येलो वार्निंग जारी हो सब जिलार गोटे दुईट स्थान में 7 से 11 सेंटीमीटर वर्षा हेबो 24 और 25 तारीख में बढ़िबो वर्षार परिमाण आसंता काली 6 जिला बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर एवं कटक रु दिया जाइछि येलो वार्निंग सेहिपरि ओडिशा उपकूल रे आज 35 से 45 किलोमीटर और झटका पवन रे बेग 55 किलोमीटर रही पारे काली पवन रे बेग 40 से 50 किलोमीटर और स्थल विशेष रे एहा बढ़ी 60 किलोमीटर रहिबार संभावना रही 25 तारीख में बालेश्वर जिलार उपकूल में 45 से 55 किलोमीटर बेगर बहिबो पवन झटका पवन रे बेग घंटा प्रति 65 किलोमीटर छुई पारे ए संपर्क में अधिक सूचना पाई आलोचना करने आम सहित पाणिपाग विज्ञानी प्रोफेसर संदीप पटनायक आपन को स्वागत करुच्ची प्रोफेसर पटनायक केमिति देखुछन्ती वर्तमान आग को पाणिपाग रो स्थिति को नेकी नमस्कार वर्तमान आमर जो अवपात से केन्द्रीय बंगोपसागर अच्छी नियर अबाउट 650 किलोमीटर फ्रॉम पुरी दक्षिण पूर्व रोज पुरी टू आउ 17 से 18 किलोमीटर बेगर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुची 50 से 55 तार विंड स्पीड सेटी अच्छी वर्तमान प्रबल मात्रा रे अमर जो उत्तर पश्चिम दिगर जोटा ड्राई अमर शुष्क आउ हॉट एयर वार्म एयर आसुची तेणु ताकू बहुत हॉस्टाइल कंडीशन विपरीत परिस्थिति रे सम्मुखीन होबाक पड़ुची तेणु ओडिशा परिप्रेक्षी देखिले से ओडिशा को आउ माने तार जो फोर स्टार रहुची ओडिशा को बहुत रेजिस्टेंस करुची ए जो शुष्क वायु द्वारा तेणु से घनीभूत हवरा भी स्ट्रगल करुची आ जेते बळे से घनीभूत होई के साइक्लोनिक स्टॉर्म रो रूप नबो जोटा काली हेबार संभावना रहुची से सितळ को ओडिशा ऑलमोस्ट क्रॉस कर जाइथिबो तेणु आम पाई विशेष किसी प्रभाव रहुनि ए सिस्टम रु टिके आज आफ्टरनून रे मत लगुच केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर मॉडरेट विंड स्पीड रही पारे 30-40 विंड स्पीड वर्षा माइल्ड वर्षा रही पारे ताठू अधिका किसी प्रभाव मत लगुनि 24-25 रे टिके पर्टिकुलरली उपकूलवर्ती डिस्ट्रिक्ट्स रे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रही पारे सेतिकी मत लगुच सिस्टम रु प्रोफेसर पटनायक जेंते आपण कहले जे उपकूल ओडिसा रे किछटा प्रभाव देखिबा को मिलबा पवन हो किंबा वर्षा लाइट वर्षा आपण कहउचंती मध्य ओडिसा रे किछ सेमती किछ प्रभाव देखिबा को मिलबा कि विशेष करके जदि भुवनेश्वर कथा कहबा कटक कथा कहबा ए सब अंचल रे टिके पवन पवन चेति कि एवं वर्षा सेइ भली भाबरे हेइ पारे कि हाँ मोटामोटी मत लागुच टिके क्लाउडी वेदर रहइबो टिके कोहला पाग रहइबो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एके विंडी कंडीशन मते आउ ताठु बेसी किछि प्रभाव लागुनी कारण बहुत इंटेंस उत्तर पश्चिम दिगरु से हाई प्रेशर जोन रे आमर गरम वायु आसुची आउ शुष्क वायु आसुची से ये गोटे बहुत दुर्बल सिस्टम ये निजर आर किछि शक्ति नै ये ता द्वारा ड्राइव हेइ जीवो तेणु ये ड्राइव हेइ कि से फोर्स को क्रॉस करिकि जेते बळे संगठित हबो से तळु से ओडिसा क्रॉस कर जाइतिबो तेणु मोर लेस वी आर ओके आम कि आपको अलर्ट रही वाच करवा 48 घंटा तापर आम कि ये ना प्रोफेसर पटनायक जहाँ कह आज तार प्रभाव देखा मिले कि ये गोटे दुर्बल सिस्टम तेणु स्थल भाग में पवन रेग 100 किलोमीटर रर्वाधिक 100 किलोमीटर रहा आहुरी भी कम रही पारे ना ना आपण ई जो कहउचंती साइक्लोनिक स्टॉर्म जो विंड कहउचंती 60 रो 90 आ तादरे 20 ऐड करंतु गस से 10 120 के 110 सेइटा होची से समुद्र रे जेते बळे थिबो जेते बळे साइक्लोनिक स्टॉर्म हबो वर्तमान से गभीर अवपात अछि 50 के अछि तापरे सॉरी वर्तमान अवपात अछि तापरे गभीर अवपात हबो आज राति सुधा तणो सेइटा ही क्लोजेस्ट रहउचे ओडिसा रु तणो से प्रो विंड रो 50 रो 60 बेसी किछ नै जेते बळे से 60 रु 90 कि 120 आड़ को जीव से समुद्र रे थिबो किंतु से ओडिसा रु दूर को पड़ै थिबो से विंड रो बेसी किछ इंपैक्ट नाही केवल आउटर जो किंतु जो हमर कोस्टल केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर 30-40 विंड मैक्सिमम रही पारे आ लाइट रेनफॉल रही पारे आ मते काई लागुनी आ द्वारा बेसी किछ प्रभावित होबो ओडिसा आज्ञा पश्चिम बंग उपकूल रो तीनकोणा द्वीप सैंडविच मझे एहा लैंडफुल करबो बोली जहां सूचना रही छि बालेश्वर प्रति किछटा विपद आसी पारे कि बालेश्वर वासी केते सजग रहबा आवश्यकता रही छि
ଯେ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି, ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କୁ ବି ଟିକେ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ହାଇ ପ୍ରେସର ରିଜନ ଟା ଏତେ ୱିଣ୍ଡ ଦଉଛି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶା କୁ ବି ସ୍କିପ କରୁଛି, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରୁ ବି କିଛିଟା ପୋର୍ସନ ସ୍କିପ କରୁଛି। ଓକେ ଆଉ ମାଇଲ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଯଦି ରହିବ 24 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 25ରେ, ଆଉ ତାଠୁ ବେଶୀ କିଛି ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ ର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିଛୁ ପଚିଶ ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ପରେ ପାଗ କ୍ଲିୟର ରହିପାରେ, ସେମିତି ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ କି ଏବେଠୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲାଉଡି ୱେଦର ଦେଖିବେ, କାରଣ ସେ ଆଉଟର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁରା ମାଡ ହବ, ଟିକେ ମାଇଲ୍ଡ କୋହଲା ପାଗ, ତାପରେ ଟିକେ ମାଇଲ୍ଡ ୱିଣ୍ଡି କଣ୍ଡିସନ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମର ଖରା ମାନେ କ୍ଲିୟର ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ଆଜ୍ଞା ଆସିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ୱେଦର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 25 ତାରିଖ ପରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।